हे एवरीवन, शिराक स्किन केयर यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, वाइट हेड और ब्लैक हेड की प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम अपनी स्किन को डीपली क्लीन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाहर की धूल मिट्टी पोल्यूशन हमारी स्किन के ऊपर जम जाती है, एक परत बन जाती है, जिसकी वजह से पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं और वो वाइट हेड और ब्लैक हेड का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स भी निकल जाते हैं और स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इसलिए हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को डीपली क्लीन ज़रूर करें ताकि वाइट हेड और ब्लैक हेड जो है वो ईजिली निकल जाएं और स्किन आपकी जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो गाइज, आज मैं आपके साथ वाइट हेड और ब्लैक हेड को रिमूव करने का एक बहुत ईजी सा तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक बाउल में पानी ले लेना है, गर्म पानी लेना है, जितना आप सहन कर सके उतना गर्म पानी लेना है। एक हैंकी लेना है, उस गर्म पानी में डिप करना है और जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम है, जैसे नोज़ पे होती है, जैसे मुझे है लिप्स के साइड में और नीचे, यहाँ पे मुझे ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे आप 3 से 4 बार हैंकी को डिप करना है गर्म पानी में और वहाँ पे अप्लाई करना है ताकि जो पोर्स है वो खुल जाएँ और जो ब्लैक हेड और वाइट हेड है वो ईजिली निकल जाएँ। आप चाहें तो फेस को स्टीम भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, या तो हैंकी को गर्म पानी में डिप करके आप अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट स्टीम आप ले सकते हैं फेस पे। तो स्किन जो है वो सॉफ्ट भी हो गई है और पोर्स जो है वो ओपन हो गए हैं। अब आपको एक बाउल में लेना है दरदरे चावल, एक तो होता है चावलों का आटा वो नहीं लेना है, थोड़े से दरदरे चावल जो स्क्रबिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वैसे, और एक चम्मच आपको हनी ऐड करना है यानी कि शहद, तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ में गाइस, मेरी ऐसी ही इजी सी DIYs देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब जहां पे भी आपको वाइट हेड ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है, नोज़ पे, लिप्स के साइड में या कहीं भी आपको फेस पे कहीं पर भी ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम है, तो इस पेस्ट को आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक यूज्ड ब्रश लेना है, वो इसलिए क्योंकि उसके ब्रिसल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो स्किन पे ज्यादा हार्श काम नहीं करते, तो आप बहुत धीरे धीरे से वहां पे आपको जहां पे आपने पेस्ट अप्लाई की है वहां पे अपने ब्रश की हेल्प से वहां पे आपको स्क्रब करना है ताकि जो भी वाइट हेड ब्लैक हेड है वो इजीली रिमूव हो जाए। अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल ना हो तो आप हैंड से भी, फिंगर्स की हेल्प से भी वहां पे स्क्रब कर सकते हैं। 5 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है तो उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो देखना गाइस, इस स्टेप से, इस DIY से आपके वाइट हेड ब्लैक हेड ईजली रिमूव हो जाएंगे और आपका चेहरा भी शाइन करेगा। तो इस DIY को आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करें ताकि स्किन जो है वो आपकी डीपली क्लीन हो जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गाइस आपको मेरी आज की सिंपल सी DIY अच्छी लगी होगी। सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ईजी सी DIY के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।